माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेरी फर्स्ट आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर, यूट्यूबर साधना सोनी हैप्पी विथ सिंपल लाइफ। और हाँ, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है और मैं करने जा रही हूँ लंच की तैयारी। ब्रेकफास्ट हमने ले लिया है, पोहा बनाया था मैंने ब्रेकफास्ट में। और अभी 11:30 हो रहे हैं सुबह के, और डे है संडे और डेट है 17 जैन। आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा कि मैंने नाइट में मैं छोला भिगो रही थी। बस जस्ट ये उसके नेक्स्ट डे का व्लॉग मैंने स्टार्ट किया है। तो ये रात भर छोला भिगा के रखा था, और रात भर भिगो के रखने से क्या होता है ना, छोला बहुत अच्छे से फूल जाता है, और जब आप कुक करते हो तो बहुत अच्छे से ये कुक भी हो जाता है। तो ये बेस्ट मतलब है कि आप रात भर भिगो के रखें, यही तरीका सबसे बेस्ट है। मैं आपको एक बात और अच्छे से बता दूं कि मैं आज आपके साथ छोला की रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट अपना जो लंच है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं आपको एक बात और बता दूँ कि छोला मुझे बहुत पसंद है, छोला राइस। और यहाँ पे ये देखिए, साइड में हमने संडे है जैसे आज, तो संडे के दिन एक्स्ट्रा काम आ ही जाते हैं। तो बस ये क्या है, मलाई से घी निकालने का काम चल रहा है। और ये जो जो मलाई है ये अप्रोक्स 1 महीने की है, और क्योंकि मुझे इतना कंफर्म अच्छे से याद नहीं आ रहा है, हाँ 1 महीने की तो होगी। और जो घर जो दूध लेते हैं हम लोग आंटी से, ये वही दूध की मलाई है, और मलाई काफ़ी अच्छी गाढ़ी गाढ़ी होती है, तो इसकी वजह से हम लोग घर पर ही मलाई से घी निकालते हैं, है ना। बहुत ही रेयर है जो बाहर से मंगाना पड़ता है, अदरवाइज़ हम मोस्ट ऑफ हम अपने घर पर ही घी तैयार करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा हेल्दी और प्योर कुछ नहीं हो सकता घर पर आपके अपने हाथों से। तो बस आज वही घी निकालने का प्रोसीजर चल रहा है। तो चलिए फिर आगे हम अपने छोले की तैयारी करते हैं। तो मैं यहाँ पर यही कह रही थी कि मैं कोई आपके संग रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, बस अपना लंच आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपके साथ शेयरिंग करना अच्छा लगता है। और वैसे सभी का अपना एक तरीका होता है कुकिंग करने का, तो मेरा अपना क्या तरीका है कुकिंग करने का, बस मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ। अगर आपको पसंद आता है तो आप भी इसी तरह से कुकिंग कर सकते हैं जिस तरह से मैं कर रही हूँ, ओके। तो अगर अच्छा लगे आपको मेरा स्टाइल कुकिंग करने का, तो घर पर ट्राई ज़रूर करना, इस तरह से छोले ज़रूर बनाना, और आपको ज़रूर पसंद भी आएगा, ठीक है। सबके अपने तरीके होते हैं कुकिंग करने के, बस मैं अपना तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो चलिए फिर अभी कुकिंग की तैयारी करते हैं हम लोग, और किस तरह से बनाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी, और आप अपने घर पे ज़रूर ट्राई करना, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए घी हमारा कितने अच्छे से निकल रहा है, मलाई का प्रोसेसर चल रहा है, गैस की फ्लेम को एकदम लो रखा है मैंने, देखिए ये देखिए। कभी भी आप घी निकालिए ना तो फ्लेम को एकदम धीरे रखिए, इससे क्या होता है कि आपकी मलाई का जो प्रोसेसर है बहुत ही स्लोली स्लोली अच्छे से चलेगा, और घी है जो अच्छे से निकलेगा। अगर आप फ्लेम को तेज करते हो तो सारा का सारा मलाई है जो वो एक बार में ही जल जाता है, और उतना घी अच्छे से आता भी नहीं है, जितना आप स्लो फ्लेम में अगर मलाई निकालते हो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी आपकी मर्ज़ी। और यहाँ पर अभी छोले की तड़के की तैयारी करते हैं, तो तैयारी कुछ इस तरह से, ये हमारे पास है छोला, आलू मैंने नहीं काटा, अभी आपको बताती हूँ, इस बात पे आते हैं हम लोग। और यहाँ पे ये लहसुन का प्याज का सॉरी लहसुन और अदरक का पेस्ट था, और ये है प्याज आज, हाँ ये है प्याज, और प्याज की जो चॉपिंग है बहुत ही फाइन है, इक्वल है, आप लोग को पता ही है मैंने किससे चॉप किया है। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है, ये थोड़ी फूली फूली वाली होती है, ये वो वाली है। मैं ये कह रही थी कि छोले में मैंने आलू बहुत पसंद है, ये है टमाटर, आलू मुझे बहुत पसंद है, बट इस बार क्या है कि मैंने आलू कट नहीं किया, क्योंकि क्वांटिटी में फिर बहुत ज़्यादा हो जाता सब्ज़ी, और मेरे को बस एक ही टाइम हो जाए वही मेरे को बहुत है, मेरे को फिर नाइट में अपना कुछ भी हल्का फुल्का बना लो। बट अभी क्या है कि नाइट में छोला नहीं लेंगे, ये हमारा लंच के लिए है, इसकी वजह से मैंने आलू कट नहीं किया। तो बस रेसिपी में आप जब आपके साथ शेयर बिल्कुल नहीं कर रही, मैं आपको फिर बता दूं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं कुकिंग, ओके लंच डे की तैयारी करते हैं।
ओके गाइस, यहाँ पर सब्जी तैयार हो चुकी है। और यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, तो मैं आपको बता दूँ, आज मैंने अपने चैनल पे फर्स्ट टाइम मैं आपको शो करा रही हूँ कि मैं राइस बना रही हूँ। वो भी राइस मतलब, तो फर्स्ट टाइम राइस नहीं, डेगचे पे मैं राइस बना रही हूँ, ये मैं आपको शो करा रही हूँ। ये मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम हुआ है। वैसे कभी कभी मेरा मन होता है तो मैं डेगचे पे चढ़ा लेती हूँ। तो बस आज मैं डेगचे पे राइस बना रही हूँ, तो बस अभी थोड़ा सा इसको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। अभी इसको क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे क्योंकि ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, बस थोड़ा सा रह गया है। इसको हम कवर कर देंगे और ये स्टीम में अंदर ही अंदर हमारा पूरा राइस रेडी हो जाएगा। तो ये देखा आपने, आज मैं डेगचे पे राइस बना रही हूँ। तो मैंने जल्दी से मैं नहीं बनाती, बहुत ही ऐसा कम टाइम होता है जो मैं राइस डेगचे पे बनाती हूँ, तो काफ़ी अच्छा बन गया था, ऐसा नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे हमारा लंच भी रेडी हो चुका है। यहाँ पे मैंने सैलेड कट कर लिया, तो सैलेड में मेरे को मसालेदार सब्ज़ी है, छोला है, मेरा फेवरेट है। तो उसके साथ मुझे सैलेड में प्याज बहुत ज़्यादा पसंद है, आनियन। तो यहाँ पे मैंने प्याज कट कर रखा है और चुकंदर कट कर रखा है, बहुत पसंद है। और ये रही हमारी छोले की सब्ज़ी, ये देखिए, वाओ। तो बस इसी तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा ज़रूर, अगर आपको पसंद आया है तरीका। तो मेरे पिछले वीडियोस में आप जाके अच्छे से देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से छोले की रेसिपी शेयर की है, अगर आपने नहीं देखी तो। और अगर पॉसिबल हो पाया तो मैं ही प्रोवाइड कर दूँगी उस व्लॉग की जो लिंक है, मैं अपने इस व्लॉग के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगी, आप जाके चेकआउट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा मैं कैसे बनाती हूँ छोला। तो मैंने आज रेसिपी नहीं शेयर करी। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, बहुत स्वादिष्ट बना था गाइज, बहुत स्वादिष्ट था, बहुत लाजवाब बना था। और जितना बस इतना ही बना था, और ये पूरा का पूरा फिनिश भी हो गया था, हस्बैंड जी को और बच्चों को बहुत पसंद आया था। और ये राइस जो मैंने डेगचे पे बनाया था, और ये देखिए कि जैसे मैंने हटाई ना वो प्लेट, एकदम गर्मा गर्म स्टीम है। सो कैमरा भी फोकस नहीं ले पाया, अब पूरा कैमरे में ही उसका भाप आ गया। तो ये है राइस गर्मा गर्म, और इसके साथ में जो हमको चाहिए मसालेदार, तो ये है पापड़। मसालेदार सब्जी के साथ पापड़ तो चाहिए चाहिए हम लोगों को, इसके बगैर तो चलता ही नहीं है। सो ये है पापड़। तो बस अभी मैं क्या करूँगी, वन बाय वन करके सबको टेबल पे रखूँगी, सारे फूड को, क्योंकि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पहले से ही प्लेट्स लगा रखी है। तो बस सारे खाने को लेकर आएंगे हम यहाँ पर टेबल पे, और उसके बाद हम लोग अपना जो मेरा फैमिली है एंजॉय करेंगे अपना लंच। तो बस अभी सबसे पहले ले आके हमने पापड़ रखा, और अभी ये सैलड रख रही हूँ, और अभी ये है हमारी सब्जी जो आपके सामने तैयार की है मैंने, बहुत लजीज बनी है गाइस, ट्राई ज़रूर करना घर पर आप भी इसी तरह से। ये है सब्जी, और अभी लेके आ रहे हैं हम अपना राइस। तो बस लंच हमने टेबल पे लगा दिया है, प्लेट ऑलरेडी पहले से ही रख दी है, पानी मेरे को ला के रखना है क्योंकि बच्चे एक बाइट खाना खाते हैं और एक बाइट पानी, एक बाइट बोल रही हूँ, एक सिप पानी। तो यह बच्चों का खैर। और यहाँ पे ही देख लीजिए पूरा फूड मैंने लगा दिया है, ये देखिए लंच अच्छे से लगा दिया है। तो इसमें तो आपको पता ही है कि राइस है, सब्जी है, पापड़ है, सैलड है। सो बस, और पानी ला के रखना है मुझे अभी यहाँ पर, तो मैं पानी भी ला के रख दूँगी। उसके बाद हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। और आज का व्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में अच्छे से प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, सब्सक्राइब ज़रूर करना चाहिए।